ऑलराइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग यार, आप सब लोगों को स्वागत है वापस और एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर आया था बर्गर खाने एंड आइसक्रीम खाने। फ्रेंकी भैया तो फिलहाल अभी सो रही है, तो उसी वजह से यार मैं अकेला आ गया था बर्गर खाने एंड आइसक्रीम खाने। फिलहाल दोस्तों आज ना मैं सुना था अपने सीमन भैया के शोरूम पे नहीं बिल्ली कार्स वगैरह आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इधर से एक बार सीमन भैया के शोरूम पे ही चला जाऊँ एंड देख के आता हूँ यार कौन सा नया गाड़ी आया है। अगर यार कोई भी अच्छा गाड़ी आ जाएगा अपने सीमन भैया के शोरूम पे, तो मैं सोच रहा सीधा जाके घर पे फ्रेंकी भैया को बता दूं एंड उसके बाद हम लोग नया गाड़ी परचेस करेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों, चलो जल्दी से चलते हैं अभी। यार आप लोगों को क्या लग रही है, अपना सीमन भैया के शोरूम पे कौन सा गाड़ी आया होगा? मुझे तो लग रही है सुपर कार्स आएगा, लैम्बोर्गिनी आएगा, फरारी आएगा, रोल्स रॉयस आएगा। गाइस आप लोगों को क्या लग रही है, गाइस कौन सा गाड़ी आएगा प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल यार सुबह का अभी कितना बज गया, सुबह का अभी 11 बज गया, लेकिन फ्रेंकी भैया नींद से नहीं उठा था तो मैं अकेला आ गया था यार बर्गर खाने एंड आइसक्रीम खाने। चलो यार कोई नहीं, फ्रेंकी भैया को सोने ही देते हैं, मैं ही अकेला चल के देख लेता हूँ यहाँ पर कौन सा गाड़ी आया है अपने सीमन भैया के शोरूम पे। वैसे यार सीमन भैया के शोरूम और ज्यादा दूर नहीं है, इधर से अपने को बस थोड़ा सा जाके यार राइट टर्न लेना पड़ेगा, सीधा अपने सीमन भैया के शोरूम आ जाएगा। अरे बाप रे, मैंने तो सिग्नल तोड़ दिया, भागते जल्दी से जल्दी नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा यार। चलो यार फाइनली हम लोग तो वैसे आ चुके हैं यार यहाँ पर अपने सीमन भैया के शोरूम पे। यार गाइस फाइनली प्रीमियम डीलक्स मोटरस्पोर्ट पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा प्रीमियम डीलक्स मोटरस्पोर्ट। वैसे यार कौन सा गाड़ी आया है मेरे सामने, यार ये कौन सा गाड़ी है? तो अपने इंडिया का महिंद्रा बोलेरो है यार। अरे बाप रे, ये तो महिंद्रा बोलेरो है अपने इंडिया का। वो गाइस कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। वैसे यार फ्रेंकी भैया बहुत दिनों से बोल रहे थे यार कोई एक नया इंडियन गाड़ी परचेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अपना बोलेरो है। चलो यार देखते हैं और कौन सा गाड़ी आया है। यहाँ पर तो लैम्बोर्गिनी है। ओ भाई साहब, लैम्बोर्गिनी एक बार बैठ के देखते हैं यार इस लैम्बोर्गिनी का पावर कैसा है। यार देखने में तो खूबसूरत है दोस्तों। ओहो गाइस ये पावर, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैंने तो किसी को यार तोड़ दिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यहाँ पर सीमन भैया ना आ जाए, मैं जल्दी से जल्दी गाड़ी को पार्किंग पे लगा देता हूँ। यार गलत सीन हो गया, एक काम करते जल्दी से जल्दी लगा देता हूँ पार्किंग पे। चलो लगा दिया पार्किंग पे गाड़ी को। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया था, इस गेट को लगाते हैं जल्दी से जल्दी, देखते और कोई नया नया गाड़ी आया है कि नहीं। चलो किसी का यहाँ पर चोट नहीं लगा, यही बहुत ही बड़ी बात है। अंदर जाके देखते हैं कौन सा गाड़ी आया है। अरे यार ये तो सब स्पोर्ट्स कार दिख रही है। अरे अंकल जी। अरे बच्चे क्या हुआ बताओ ना। अरे अंकल जी, इस गाड़ी के साथ मेरा भी फोटो क्लिक कर देना। अरे यार बच्चे, तुम ये गाड़ी खरीद चुके हो क्या कि मैं किसी का भी गाड़ी से यार तुम्हारा फोटो खींच दूँ? अरे अंकल जी खींच दो ना प्लीज यार, यहाँ पर मैं पोज दे रहा हूँ, खींच दो। अरे यार बच्चे जाना यहाँ से, दिमाग मत चाट। अरे यार अंकल जी, मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो जा रही है मैडम जी? अरे हाँ बताओ ना क्या हुआ। अरे मैडम जी, मुझे ये वाला गाड़ी आपका ही है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस गाड़ी देखने आया था, अभी तक कोई भी गाड़ी खरीदा नहीं मैंने। अरे यार आंटी जी ठीक है ठीक है। अरे आंटी किसको बोले, रुक बच्चे। अरे दीदी सॉरी सॉरी। अरे यार ये दीदी तो गुस्सा हो जा रही है। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे सुपर कार भी है, लेकिन यार और कोई इंडियन गाड़ी नहीं है। चलो अभी गाड़ी जाके फ्रेंकी भैया को बताते है। गाइस ये वाला बात की अपना सीमन भैया की शोरूम पे नई नवेली महिंद्रा बोलेरो आया है दोस्तों। अगर यार मैं फ्रेंकी भैया को बताऊंगा, फ्रेंकी भैया बहुत ज्यादा खुश भी है और उछल मरेगा। उसके बाद यार हम दोनों भाई मिल के आएंगे यहाँ पर गाड़ी परचेस करने के लिए। चलो अभी घर के तरफ चलते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी, एंड फ्रेंकी भैया को नींद से उठाते हैं। गाइस वैसे यार इधर से अपना घर ज्यादा भी दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही आगे अपना घर है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हम लोगों का घर का रास्ता? अगर पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। चलो 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 जल्दी से जल्दी ब्रेक लग जाए। अरे यार ये गाड़ी का पावर तो कुछ ज्यादा ही है अपने नई नवेली महिंद्रा थार रॉक्स टॉय कार में। गाइस आप लोग देख रहे हो मैं महिंद्रा थार रॉक्स लेके आया था यार घूमने के लिए। आप लोगों को यार महिंद्रा थार रॉक्स कैसा लगता है जरूर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। यार मुझे तो गाइस बहुत ही ज्यादा पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं प्लीज बताना एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो 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 जल्दी से जल्दी चलो, घूम के आते है दोस्तों, मजा आएगा बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स गो, इधर से राइट लेते है, इधर से वापस लेफ्ट लेते है दोस्तों। अरे यार और ज्यादा दूर नहीं अपना घर, अभी फ्रेंकी भैया को फटक से नींद से उठाएंगे, फ्रेंकी भैया को बोलेंगे सीमन भैया के शोरूम जाने के लिए। उससे पहले मैं फ्रेंकी भैया को बोलूंगा पिज्जा खिलाने के लिए। अरे नहीं 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 बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो अभी अभी बर्गर खाया आइसक्रीम खाया, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक काम करते अपने गाड़ी को इधर पे पार्किंग पे लगाते हुए फ्रेंकी भैया के पास चलते हो, फ्रेंकी भैया को बताते हो। फ्रेंकी भैया, अरे यार फ्रेंकी भैया आप नींद से उठो क्या? अरे यार फ्रेंकी भैया देखो अभी तक सो रही है। फ्रेंकी भैया उठो, अरे फ्रेंकी भैया उठो। अबे यार सिंचन,
मैन क्या हो गया भाई सुबह सुबह? अरे यार फेकी भैया। अबे यार बताना इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है भाई? अरे यार फेकी भैया बात तो सुन लो। अबे यार कौन सा बात भाई, क्यों क्या हो गया यार इतना सुबह सुबह भाई मेरे? अरे यार फेकी भैया सीमन भैया के शोरूम पे। अबे यार सीमन भैया के शोरूम पे क्या हुआ, आग लग गया क्या? अरे नहीं नहीं सीमन भैया के शोरूम पे नहीं नहीं बेली यार, इंडियन गाड़ी आया है। अबे यार इंडियन गाड़ी आया है क्या, सच बता रहा है क्या? अरे यार है इंडिया महिंद्रा बोलेरो। क्या बात कर रहे हो, इंडिया का अपना देसी गाड़ी महिंद्रा बोलेरो? अरे यार है फेकी भैया। अबे फिर तो जाना पड़ेगा यार, मुझे वो गाड़ी चाहिए बहुत दिनों से, लेकिन यार सिंचन एक दिक्कत है भाई। अरे यार कौन सी दिक्कत बताओ ना। अबे यार मेरे पास पैसा नहीं है भाई, छोड़ यार सो जाने दे यार, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं खरीदना मुझे। अरे यार फेकी भैया लेकिन मेरे पास तो पैसे है। हाँ क्या बात कर रही है, तेरे पास पैसा है भाई, कहाँ से आया? अरे यार मैं जमा रहते पैसे। तो भाई तेरे पास कितना पैसा है वो तो बता। अरे यार फेकी भैया पूरे 50,000। अबे यार 50,000 से भाई गाड़ी का चार टायर आएगा बस। अरे यार फिर मैं क्या करूँ, फिर छोड़ो यार सो जाओ। नहीं नहीं चल भाई एक बार जाके देखते, अगर EMI वगैरह मिल जाएगा तो यार। गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई 2-3 लाख का भाई डाउन पेमेंट देके यार मैं गाड़ी को परचेस कर ही लूंगा। आ जा यार सिंचन सीमन के शोरूम पे ही ना। अरे यार हाँ यार फेकी भैया सीमन भैया के ही शोरूम पे, जल्दी से जल्दी चलो। ठीक है यार, लेकिन तू मेरे टॉय कार लेके गया था क्या? अरे यार वो टॉय कार तो आपने मुझे गिफ्ट किया था। अरे भाई साहब ये टॉय कार वगैरह को आपसे मैं लॉक करके रखूंगा दोस्तों, बाकी चलो घर के बाहर चलते। अबे यार मेरा गाड़ी भाई लगता है ट्रेवर लेके गया, ये ट्रेवर का बच्चे ना यार, हर टाइम मेरा ही गाड़ी लेके जाता है। अभी यार किसी दूसरे का गाड़ी लेना पड़ेगा, एक मिनट देखता हूँ भाई। यहाँ पर अपना शर्मा जी का गाड़ी तो वैसे है दोस्तों, ये रहा शर्मा जी का गाड़ी ही लेके चलेंगे, शर्मा जी को शर्मा जी का गाड़ी बाद में दे देंगे। सिंचन तू वहाँ पर ही रुक। अरे यार मैं यहाँ पर ही रुका हुआ हूँ, जल्दी आओ। अबे यार तू आ गया, बैठ जा जल्दी से बैठ जा। अरे यार रुको रुको गाड़ी पे बैठने तो दो, गेट तो खोलने दो। बैठ गया ना? हाँ हाँ। अरे यार बैठ गया जल्दी जल्दी चलो अभी यार अपने सीमन भैया के शोरूम पे। हाँ हाँ भाई सीमन के शोरूम पे जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यार शर्मा जी का गाड़ी यार बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है यार, क्या पावर है गाड़ी पे यार सिंचन। अरे यार पावर के चक्कर में देखो अपने एक्सीडेंट कर दिया। हाँ यार वो तो गलती से हो गया। अरे ये मैडम जी भाई सिगरेट पी रही है भाई, ये तो बुरी बात है यार सिंचन। अरे यार उन लोगों को छोड़ो, सीमन भैया के शोरूम पे चलो जल्दी से जल्दी। हाँ यार जाएंगे जाएंगे, जल्दी की जल्दी के चक्कर में यार एक्सीडेंट होता है। बाकी चलो कोई ना गाइस, अभी भाई सीमियन के शोरूम पे चलेंगे। एंड सिंचन जैसे कि मुझे आके बताया कि यार सीमियन के शोरूम पे नई नवेली गाइस इंडिया का महिंद्रा बोलेरो आया है, तो वैसे भाई मैं सोच रहा था यार वो एक नया इंडियन गाड़ी परचेस करने के लिए, एंड भाई उसे ना गाइस यहाँ पर 6x6 रिमोट कंट्रोल कार बनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। तो दोस्तों अभी मैं सीधा जाऊंगा सीमियन के शोरूम पे, अगर डाउन पेमेंट में मिल जाएगा गाड़ी तो यार गाइस मैं परचेस कर लूंगा गाड़ी को। बाकी यार उसके बाद बेनी के पास जाके मैं 6x6 रिमोट कंट्रोल गाड़ी बना लूंगा सिंचन के लिए। अरे यार फेकी भैया क्या बात कर रहे हो, मेरे लिए 6x6 रिमोट कंट्रोल गाड़ी? हाँ हाँ भाई तेरे लिए ही। अरे यार फेकी भैया आप कितने अच्छे हो। अबे यार देखो गाइस मस्का लगा रही है अपना सिंचन। अरे नहीं नहीं मस्के नहीं लग रहा, वो तो यार मुझे आपको पसंद है उसी वजह से बोल रहे हो। ठीक है भाई ठीक है। बाकी चलो गाइस फाइनली वैसे तो मैं आ ही चुका हूँ यार, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर, एंड जैसे कि मुझे भाई ऑलरेडी दिख ही चुका है यार इंडिया का महिंद्रा बोलेरो। सिंचन तू इसी वाले महिंद्रा बोलेरो के लिए बात कर रहा था क्या? अरे यार है फेकी भैया देखो ना कितने ज्यादा खूबसूरत है। हाँ यार वैसे तो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एंड गाइस इंडिया का शान, इंडिया का जान मान शान अपना देसी गाड़ी महिंद्रा बोलेरो। गाइस किस किस को पता है इस गाड़ी के बारे में जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, आए होगा आप लोगों को पता ही होगा। बाकी और सिंचन यहाँ पर स्पोर्ट्स कार भी है भाई। अरे यार यहाँ पर एक है, अंदर तो देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स कार है। हाँ भाई बाहर दो दो स्पोर्ट्स कार है, बाकी अंदर ओ भाई साहब अंदर भी स्पोर्ट्स कार है गाइस, आप लोग देख ही सकते हो यार कितना ज्यादा खतरनाक खतरनाक स्पोर्ट्स कार है यार। सिंचन देखने में तो भाई मस्त दिख रही है। वैसे मैं अपना गाड़ी के लिए कार पॉलिश ढूंढ रहा था, एंड आई थिंक सो गाइस ये वैक्सफुल का भाई मैं परचेस कर लूं क्या सिंचन? अरे यार पहले गाड़ी तो परचेस करो उसके बाद यार खरीदोगे। अबे यार वैसे तो मेरे पास है ना भाई गाड़ी वगैरह। अरे यार छोड़ो अभी गाड़ी परचेस करो, फालतू का खर्चा करके क्या हो गया? अबे यार फालतू का क्या खर्चा था, ये 150-200 का ही तो था ना। अरे यार 150-200 में फ्यूल डाल देंगे गाड़ी में अड़के। हाँ यार ये बात भी सही है। बाकी चलो यार इधर पे कौन है भाई, यहाँ पर तो वैसे कोई भी नहीं है। चलो सीमियन के शोरूम पे अभी जाते हैं, ऑफिस में बात करते हैं। ये देखो सीमियन इधर पे ही है। सीमियन क्या हाल चाल ब्रो? अरे यार फेंकी फेंकी मैं बढ़िया बढ़िया, बताइए कैसे मदद कर सकते हो भाई? अबे यार सीमियन मैं देखा तेरे शोरूम के बाहर यार इंडिया का महिंद्रा बोलेरो है यार। अरे यार हाँ हाँ सेल पे लगा हुआ है, ओनली 20 लाख। अबे यार 20 लाख थोड़ा बहुत डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? अरे यार तेरे लिए ही 20 लाख, बाकी सारे लोग
लोगों के लिए 22 लाख। अबे यार ठीक है चल, मैं भाई EMI करवाऊंगा। अरे ये नहीं नहीं, EMI पे नहीं लूंगा भाई, EMI पे नहीं होगा भाई। भाई तू जा अभी जा। अबे यार तू मुझे भगा क्यों दे रही है भाई, मेरे पास पैसा नहीं है। 2 लाख ले लेना और 18 लाख का EMI कर दे। अरे ये तू 10 लाख दे देगा तो भी यार मैं EMI नहीं कर पाऊंगा। सॉरी ब्रो सॉरी फ्रैंकलिन, इस गाड़ी के ऊपर नहीं हो पाएगा। अबे यार सिमोन तो फिर मैं क्या करूं। अरे यार तू एक काम करना भाई, लॉस एंजेलिस के पीछे वाले पहाड़ी एरिया पे यार वहाँ पर ड्रैग रेस हो रही है 5 लाख का एंट्री फी दे के। क्या बात कर रही है, 5 लाख का एंट्री फी दे के? अरे यार हाँ, तू 5 लाख मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे एंड एंट्री फी ले ले यार। एंड अगर तू जीत जाएगा रेस पे तो यार तुझे 25 लाख मिलेगा। अबे यार क्या बात कर रही है, 25 लाख मिलेगा? अरे यार हाँ 25 लाख मिलेगा, 25 लाख। जल्दी से जल्दी जा और पैसे मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। ठीक है फिर मैं तुझे पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है ना? अरे यार ठीक है ठीक है। ऑलराइट तो गाइस मैं फटाफट यार सिमोन को सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ पैसा 5 लाख। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को सीधा बात बताते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन हुआ क्या नहीं। ऑलराइट तो गाइस फाइनली ऑनलाइन ट्रांसफर कर तो पैसा हो चुका है, बाकी सीन चैट बैठ जा भाई। अरे यार फेंकी भैया लेकिन सीन क्या हुआ वो तो बताओ। अबे यार बताता हूँ गाइस आप लोगों को भी एकदम अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ जहाँ पर गाइस हम लोग रेस करने जाएंगे। ऑलराइट तो गाइस ये रहा यार रेस का लोकेशन। अभी चलो गाइस आप लोगों को जाते जाते बताते हैं। तो देख सिंचन सीन क्या हुआ, तो यहाँ पर अभी भाई सिमियन ने बोला कि लॉस सेंटोस के पीछे वाले पहाड़ी एरिया पे भाई कहाँ पर रेस हो रही है। तो यार उसने बोला अगर मैं 5 लाख देके एंट्री फी देके रेस पे जाओ तो यार मुझे भाई 25 लाख मिलेगा। तो भाई अगर भाई जीत जाओ तो भाई गाड़ी का पैसा तो मिल ही जाएगा 20 लाख, उसके साथ साथ यार 5 लाख पे हम लोग भाई मॉडिफाइड भी कर पाएंगे अपने गाड़ी को। सही कहा ना मैंने? अरे यार बिल्कुल सही कहा, तो जल्दी से जल्दी चलो, वेट करने का क्या जरूरत है। अबे यार मैं कहाँ वेट कर रहा हूँ यार, मैं तो जा ही रहा हूँ ना। अरे यार तो गाड़ी के स्पीड से भगाओ ना थोड़ा ज्यादा से ज्यादा स्पीड पे। अबे नहीं यार ज्यादा से ज्यादा स्पीड पे भगाऊंगा तो अभी भाई पैसा की लालच पे हम लोग का एक्सीडेंट भी हो सकती है। ठीक कहा ना मैंने? अरे यार बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है चलो आराम आराम से चलता, लेकिन हाईवे पे आ चुके हैं अभी तो गाड़ी के स्पीड बूस्टर यूज करो। हाँ यार वैसे तो अभी स्पीड बूस्टर यूज कर सकते हैं। एंड यार देखते देखते गाड़ी का पावर कितना बढ़ चुका है गाइस, आप लोग देख ही सकते हो लिटरली गाइस गाड़ी का पावर बहुत ज्यादा है यार। एंड अगर मैं रेस पे जीत जाऊँ तो यार सीधा 25 लाख, यार 25 लाख मिलेगा सिंचन। अरे यार फेंकी भैया 25 लाख 25 लाख मत करो, पहले रेस तो जीतो उसके बाद 25 लाख का सपना देखना। अबे यार तेरा यकीन नहीं होता क्या मैं रेस जीतूंगा? अरे यार यकीन क्यों नहीं होगा, लेकिन 25 लाख थोड़ा ही कम अमाउंट होता है क्या? हाँ यार वो तो बात है, लेकिन यार मुझे पता है इतना मैं रेस जीतूंगा क्योंकि मैं जैसा गाड़ी चलाता हूँ मेरे जैसा कोई भी गाड़ी चला नहीं पाता। तो ऑब्वियसली यार मैं ही सबसे ज्यादा खतरनाक भाई रेस पे गाड़ी चलाऊंगा एंड मैं रेस जीत के ही रहूंगा, ठीक है ना? अरे यार ठीक है अभी चलो यार सबसे पहले। हाँ हाँ भाई जाएंगे जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है, ओके नीचे से ही जाना पड़ेगा। ऑलराइट तो गाइस आराम आराम से चलते हैं, ठीक है चलो। एंड इधर से अभी भी यार सिंचन 2 मील दूर है वैसे। अरे ये तो क्या करूंगा, जल्दी से जल्दी चलाओ ना गाड़ी को भगाओ और क्या। हाँ हाँ भाई भगाएंगे, लेकिन अभी सिंगल हाईवे हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी एक्सीडेंट मतलब बनने का चांस ज्यादा बढ़ चुका है, उसी वजह से गाइस गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चलाऊंगा। लेकिन वेट अ मिनट गाइस, ये वाले रास्ते से अपने को जाना पड़ेगा, मिट्टी वाले रास्ते से। सिंचन लगते इसी वाले रास्ते के ऊपर रेस होगा भाई। अरे ये रेस होगा तो क्या होगा, आप तो प्रो हो ना, आप कहीं पर भी रेस कर सकते हो, ये बात आप भूल मत जाना। हाँ हाँ ये बात तो पता ही है यार, मैं प्रो हूँ, मैं कहीं पर भी रेस कर ही सकता हूँ। बाकी यार इधर से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ यार, सिंचन कैसा रहेगा भाई? अरे ये लेकिन थोड़ा आराम से, अरे बाप रे यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं नहीं भाई एकदम परफेक्ट चलाया ना मैंने। अरे यार प्रो हो, प्रो कभी प्रो आप। अरे भाई थैंक यू सो मच। बाकी चलो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं, ये रहा गाइस यहाँ पर ड्रैग रेस हो रही है। तो चलो यार मैं बात वगैरह करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद यार मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, देन गाइस सीधा आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। ऑलराइट तो दोस्तों फाइनली रेस अपना स्टार्ट हो चुका है। एंड भाई तब मुझे ये कैसा गाड़ी दे दिया यार सिंचन इन लोगों ने। अरे यार रुको मुझे भी बैठने दो। अबे तू भी बैठ गया क्या? अरे यार हाँ हाँ मैं भी बैठ गया, अपने देखा नहीं क्या? हाँ हाँ वो तो मैंने देखा। बाकी गाइस ये देखो सिंचन भी बैठ चुका है अपने साथ रेस पे। सिंचन तो ठीक देख रही है ना? अरे यार क्या कर रहे हो यार, उस वाले ट्रक के ऊपर क्यों चढ़ा दिए? अबे यार वो तो गलती से चढ़ गया, बाकी तू टेंशन ना लेना भाई, मैं एकदम परफेक्ट तरीके से गाड़ी चलाऊंगा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। ऑलराइट तो गाइस वैसे मैं 3 नंबर पोजीशन में हूं, ये लोग गाइस मैं फर्स्ट पोजीशन में आ चुका हूं। अबे यार ये लोग भाई मुझे क्रैश कर रही है यार, क्रैश करने के चक्कर में लगा हुआ है क्योंकि इन लोगों को पता है मेरे गाड़ी पे स्पीड बूस्टर है, तो यार उसी वजह से। बाकी चलो कोई नहीं, यहां पर गाड़ी को थोड़ा
अरे भाई सब स्पीड से भगाना पड़ेगा, लेकिन टर्न वगैरह भी है तो यार थोड़ा आराम आराम से जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब सॉरी। अरे भाई साहब अभी उस भाई साहब को एक्सीडेंट हो जाता, बाकी सारा गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे। अरे बाप रे, इंजन देख रही है। अरे ये मैं क्या देखो, सामने देखो, अब सामने देखो, सामने देख के गाड़ी चलाए। हाँ हाँ भाई तू टेंशन मत ले, मैं ही रेस जीतूंगा। ऑलराइट, तो गाइस वैसे तो रेस तगड़ा ही हो रहा था, सिंचन तेरे चक्कर में ये हुआ। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मेरे चक्कर में हुआ यार, आपने किया ये सब। अबे यार गाइस गलत सीन हो गया गाइस, आप लोग देख ही सकते हो यार, मैं एक नंबर पे ही हूँ ना। ऑलराइट मैं एक नंबर पे ही हूँ, सिंचन अभी भी वो गाड़ी आ रही है भाई, देख रही है। अरे यार अब तो हीरो हीरो। अबे यार थैंक यू सो मच सिंचन। बाकी यार आप लोग देख ही सकते हो क्या ही खतरनाक चला रहा हूँ मैं यार, मैं सोचा भी नहीं था यार मैं इतना भी खतरनाक चलाऊंगा, लेकिन यार चला तो रहा हूँ यार बहुत ज्यादा खतरनाक। एंड यार आज पैसा 25 लाख मुझे ही मिलेगा, 25 लाख मिलेगा गाइस। उसी 25 लाख से दोस्तों हम लोग खरीदेंगे महिंद्रा बुलेरो यार, फाइनली। चलो 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 गाइस, गाड़ी को भगाते हैं एंड दोस्तों चलते हैं गाइस। ऑलराइट ऑलराइट, और ज्यादा दूर नहीं है गाइस अपना फिनिशिंग लाइन। ओ भाई साहब अभी गिर जाता सिंचन, देखा ना। अरे यार अब इतना ज्यादा बकबक करोगे तो गिरोगे ही ना, जल्दी से जल्दी रेस को जीतो और क्या। हाँ भाई जीतेंगे जीतेंगे, ज्यादा भी जल्दबाजी करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा बुरा सीन होगा। बाकी वो देखो गाइस, बाकी तरह गाड़ी क्या ही भगा भगा के आ रही है। आई थिंक सो भाई फिनिशिंग लाइन हम लोग का बहुत ज्यादा नजदीक है, बस यही वाला टर्न लास्ट टर्न है। नहीं नहीं नहीं, और भी 2-3 टर्न है गाइस, उसके बाद हम लोग रेस जीतेंगे। और राइट सामने ही फिनिशिंग लाइन है गाइस, वो देखो ये वाला लास्ट अटेम्प्ट है। नहीं दो और है गाइस, ये देखो एक गया ये दूसरा, एंड फाइनली गाइस हम लोग जीतेंगे। ऑल राइट, तो दोस्तों फाइनली भाई मैं तो रेस जीत गया। सिंजन देखा ना भाई कैसा लगा ब्रो। अरे यार रेकी भैया कांग्रेचुलेशन टू यू यार। अबे यार थैंक यू सो मच सिंजन। गाइस फाइनली रेस तो जीत ही गया, देख ही सकते हो। सिंजन पैसा मिल गया ना भाई। अरे यार मिल गया मिल गया, चलो जल्दी से जल्दी चलो। हाँ हाँ भाई जाएंगे। ऑलराइट तो दोस्तों चलो इसी वाला गाड़ी को लेके अभी चलते हैं दोस्तों सिमियन के शोरूम पे। एंड दोस्तों सिमियन के शोरूम वैसे इधर से ज्यादा दूर नहीं है, चलो गाड़ी को थोड़ा सा भगा भगा के ले चलते दोस्तों। एंड उसके बाद गाइस सीधा सिमियन के शोरूम पे गाइस आप लोगों से मिलते दोस्तों। ऑलराइट तो गाइस देखते देखते हम लोग सिमियन के शोरूम का बहुत ज्यादा नजदीक आ ही चुके हैं दोस्तों। एंड अभी फटाफट गाइस हम लोग सिमियन के शोरूम पे जाएंगे एंड गाइस अपना नई नवेली महिंद्रा बुलेरो को परचेस करेंगे। एंड गाइस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं भाई इंडिया का अपना देसी गाड़ी महिंद्रा बुलेरो परचेस करूंगा यार, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मजा भी आ रही है दोस्तों। चलो कोई नहीं आराम आराम से चलते गाइस, और क्या बाकी गाइस इधर से अपना सिमियन का शोरूम और ज्यादा दूर नहीं है, बस सीधा जाके अपने को राइट टर्न लेना पड़ेगा। एंड फाइनली गाइस ये रहा अपना सिमियन का शोरूम बिल्कुल अपने सामने। दो दोस्तों चलो फटाफट गाइस इस गाड़ी को इधर पे ही मैं रखता हूँ यार। एंड सिमियन को भाई पैसा वगैरह ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, पेमेंट वगैरह करके गाइस सीधा आप लोगों से मिलेंगे। एंड ये देखो अभी सिमियन के मुंह पे भाई पैसा फेंक के देंगे एंड गाड़ी का डिलीवरी लेंगे। तो गाइस बात कर लेते हैं, देन गाइस सीधा आप लोगों से मिलते हैं। ऑलराइट तो दोस्तों बात वगैरह करके तो हो चुका है गाइस, एंड पैसा भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। सिंचन फाइनली भाई इंडिया का महिंद्रा बुलेरो अपना हुआ भाई। अरे यार फेकी भैया कांग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन। अरे भाई थैंक यू सो मच यार सिंचन। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो आप लोगों का आंखों के सामने ही भाई अपना नई नवेली महिंद्रा बुलेरो है। तो दोस्तों अभी फटाफट अपना बुलेरो को ले चलते हैं गाइस अपना बेनी के गैरेज पे यार। एंड बेनी का गैरेज पे भाई ये गाड़ी देखे यार सीधा बनाते है यार अपना मिनी भाई, अपना रिमोट कंट्रोल 6x6 RC कार। तो गाइस चलो अभी इस गाड़ी को देते हैं दोस्तों। एंड भाई सीधा बेनी को भाई इस गाड़ी के ऊपर काम करने के लिए बोलते हैं गाइस। एंड देन गाइस गाड़ी का काम फिनिश होने के बाद दोस्तों आप लोगों से सीधा हम लोग मिलते हैं। ऑलराइट तो गाइस सिमियन ने मुझे अभी अभी भाई फोन करके बताया कि मेरा गाड़ी का काम फिनिश हो गया। एंड गाड़ी तो उसने भाई और दूसरे एक गाड़ी पे लोड कर दिया गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओ भाई साहब फाइनली यार मेरा गाड़ी रेडी हो गया सिंचन। अरे यार फेकी भैया गाड़ी तो वैसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, देखो ना सच में ना। अरे भाई हाँ बिल्कुल यार, अपना महिंद्रा बुलेरो 6x6 रिमोट कंट्रोल गाड़ी यार बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, बैठ जा सिंचन यार। आज तो भाई इस गाड़ी को लेकर तगड़ा सा भाई हम लोग भाई घूमेंगे। फिलहाल चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यार इस गाड़ी को लेकर घर पे चलते हैं दोस्तों। एंड उसके बाद यार इस गाड़ी को अनलोड करने के बाद दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके चलाएंगे। वैसे यार देखो इस गाड़ी का अलॉय का तो साइज देखो यार, पूरा चक्का वगैरह पूरा बाहर निकल के रखा है यार, क्या डेंजरस एंड माफिया सा दिख रही है यार।
गाड़ी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा भाई ये अपना ही गाड़ी है यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। वैसे सिंचन पूरे लॉस सैंटोस में बस एक ही होगा ना अपना ये भाई 6x6 रिमोट कंट्रोल महिंद्रा बोलेरो, तुझे क्या लगता है भाई? अरे यार फेकी भैया बिल्कुल अपने एकदम सही कहा, ये वाला गाड़ी अपना पूरा लॉस सैंटोस में एक पे एक ही होगा। हाँ यार वो तो मुझे भी लग रही है। बाकी चलो गाइस इधर से और ज्यादा दूर नहीं है यार अपना घर, एंड ओ भाई साहब अभी बस से एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, गाड़ी को फटाफट अभी घर पे लेके चलते हैं दोस्तों। एंड भाई इस गाड़ी को अनलोड करके भाई चलाने भी तो है यार, बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस। फिलहाल चलो और ज्यादा दूर नहीं है इधर से अपना घर, क्योंकि हम लोग फाइनली पहाड़ के ऊपर चढ़ना तो स्टार्ट कर ही चुके हैं दोस्तों। एंड पहाड़ पे भाई घूमना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, आप लोगों को पहाड़ पे घूमना कैसा लगता है जरूर बताना। आप लोगों को गाइस समुंदर ज्यादा अच्छा लगता है या आप लोगों को गाइस पहाड़ ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो जरूर बताना। तो गाइस सी वर्सेस माउंटेन इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा है एक बार कमेंट करके बता ही देना। मुझे तो गाइस पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है तो उसी वजह से, बाकी आप लोगों का बता देना। फिलहाल गाइस फाइनली हम लोग घर पे तो आ ही चुके हैं दोस्तों, अभी इस गाड़ी को फटाफट यार अनलोड करते गाइस, उसके बाद चलो रिमोट कंट्रोल से चलाते दोस्तों। गाइस मजा तो यार बहुत ज्यादा ही आएगा। ऑलराइट तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने फोन से तो गाइस गाड़ी को कनेक्ट कर ही लिया है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो गाड़ी वैसे कितना ज्यादा खतरनाक चल रही है यार। सिंजन चलाओ क्या अभी भाई गाड़ी को? अरे यार चलो चलो और क्या। तो गाइस चलो गाड़ी को लेके थोड़ा घूम के आते। वैसे गाइस देख ही सकते हो यार गाड़ी में पावर तो यार बहुत ही ज्यादा है, मुझे लगा नहीं था यार वैसे इतना भी ज्यादा पावर होगा। चलो थोड़ा सा घूमते है गाड़ी को भगाते हैं। गाइस गाड़ी वैसे बहुत ही तगड़ा सा स्कीड कर ही रही है, बाकी सारा लोग भाई देख के डर ही जाएगा इस गाड़ी को, दूसरे सारा गाड़ी से कितना ज्यादा छोटा है यार ये गाड़ी। चलो इस गाड़ी को एक बार भाई इन लोगों को डराए क्या सिंचन? अरे ये डरो डरो और क्या। तो गाइस चलो वो तेरी हंसी की तो जहर है यार, कौन है? अरे यार कौन है ये कौन है? अरे यार चलो भाई गाड़ी को भगाते, ये लोग नहीं तो पकड़ लेगा। ओ भाई और यार ये इधर पे आ रही है सिंचन। अरे यार गाड़ी को जल्दी से घर की तरफ लेके आओ फ्रेकी भैया। हाँ हाँ भाई लेके आ रहा हूँ, गाड़ी को इधर से ही घुमा लेते हैं दोस्तों, नहीं तो ये लोग मेरा जान के पीछे पड़ जाएंगे। गाइस चलो जल्दी से जल्दी चलते हैं, अभी गाड़ी को भगा के ये लोग कहाँ चला गया भाई, ये लोग तो डर गया भाई, डर के भाग गया सीधा या फिर पुलिस पे कंप्लेंट करना चल गया दोस्तों। बाकी गाड़ी चलने में तो यार वैसे ओ क्या ब्रेक है यार सिंचन, देखा तुमने? एक बार देखेगा ये देख भाई क्या ब्रेक है ना। अरे यार बहुत ही ज्यादा तगड़ा ब्रेक है फ्रेकी भैया, अभी एक काम करो गाड़ी को सीधा पार्किंग एरिया पे पार्क कर दो। हाँ हाँ भाई पार्किंग एरिया पे पार्क कर देंगे यार गाड़ी को। ऑलराइट तो गाइस इस गाड़ी को लेके भाई किसी के घर में घुसना बहुत ज्यादा इजी होगा यार। फिलहाल चलो फाइनली यार गाड़ी को हम लोग पार्किंग एरिया पे तो वैसे ले आ ही चुके हैं दोस्तों। एंड ये रहा गाइस अपना गाड़ी। बाकी गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। आई होप सो गाइस आप लोगों को अच्छा लगा है, गाइस अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि ऐसा तगड़ा से तगड़ा वीडियो आप लोगों को किसी और चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस रेब्स गेमिंग चैनल पे ही मिलेगा। तो यार सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो पे। सो टाटा एंड बाय बाय दोस्तों, एंड आई लव यू ऑल बॉयज।